हेलो बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्योंकि डायमेंशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो आज हम लोग DPP से प्रॉब्लम बनाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। कल ये DPP मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के चैट ग्रुप में। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ स्किप करेंगे, हम वही क्वेश्चन स्किप करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। बेटा आप लोगों का काम ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन हम DP में स्किप करेंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, वो सब क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करके हमारे पास में सेंड करने हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ यार कि 11th वाले जो बच्चे हैं ना वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, ऐसे मज़ा नहीं आता है लेक्चर लेने में। देखो एक टीचर क्या चाहता है, टीचर ये चाहता है कि अगर कोई चीज़ वो पढ़ा रहा है तो जो उसके सुनने वाले बच्चे हैं, जो उसके लिसनर्स हैं, जो बच्चे टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो उसकी बात को अच्छे तरीके से सुने, टीचर के अकॉर्डिंग काम करें, अपना होमवर्क सही तरीके से सेंड करें, हमारा मन भी तब जाकर खुश होता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, बेटा ये बहुत गलत बात है। आप अपना रोज़ का लेक्चर रोज़ देखिए, जो भी आपका होमवर्क आता है वो हमें सेंड करिए। हमने एक यूनिक सिस्टम बनाया हुआ है आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, जब भी आपके पास में कॉल आती है तो कॉल को रिसीव करें, अपना स्टेटस बताएं कि हम लोगों ने इतने लेक्चर देख लिए हैं, इतने लेक्चर नहीं देखे हैं। अगर किसी लेक्चर में कोई समस्या आप लोगों को आ रही है तो हमारे साथ में डिस्कस करिए कि सर मुझे यहाँ समस्या आ रही है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आप मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करिए, तो हम पूरी तरीके से प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डिवोटेड हैं। बेटा मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। अभी 11th क्लास है बेटा, आप लोगों की शुरुआत है, आप ये समझिए कि आपके कैरियर का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है 11th क्लास। अगर ये आपने लापरवाही में सही से काम ना करके बिता दी तो आप ये समझिए कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट एक साल अपने जीवन का खो दिया है, जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है, कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। आप जितने भी टॉपर्स को उठा लीजिए, चाहे वो नीट का टॉपर हो, चाहे वो ITJEE का टॉपर हो, वो कभी बच्चा ड्रॉप करके, यानी 12th के बाद एक साल ड्रॉप करके कभी टॉप नहीं करता है। वो बच्चे हमेशा 11th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, 12th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तब जाकर कहीं एग्ज़ाम करेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका स्कूल एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, स्कूल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करिए। लेकिन हम लोगों ने ये जो कोचिंग को ज्वाइन किया है, मतलब आप लोग जो हमारे पास चलकर आए हैं, क्या वो स्कूल की तैयारी करने के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं, आप स्कूल की तैयारी करने के लिए हमारे पास में नहीं आए हैं। कोई बच्चा JEE की प्रिपरेशन करने के लिए आया है, कोई नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आया है, कोई अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आया है, कोई नॉलेज गेन करने के लिए आया है, तो उस पढ़ाई को मात्र एक बहुत छोटे लेवल तक सीमित ना करें बेटा आप लोग, बिल्कुल सीमित ना करें आप लोग। जो मेहनत हम लोग क्लास में कर रहे हैं उस मेहनत को सार्थक बनाइए आप लोग हमारे साथ में कॉपरेट करके। अपने टीचर्स की कॉल को रिसीव करिए, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, कोई समस्या आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। हमने इतना बढ़िया सिस्टम आप लोगों के लिए बनाया है, उस सिस्टम को फॉलो करिए। लाइव क्लास हम लोग सिर्फ इसीलिए नहीं लेते हैं कि लाइव क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कनेक्शन प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सभी बच्चों की पहुंच एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं है, इसीलिए हम लोग लाइव क्लास नहीं रखते हैं। आप लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइव क्लास को, बड़ी समस्या आएगी आप लोगों को। और आप ये समझिए कि ये आपकी लाइव क्लास ही है, रोज़ का लेक्चर आपका डेली रिकॉर्ड होता है, फिर आप लोगों के पास में भेजा जाता है एक अच्छी क्वालिटी के साथ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत हमारे पास में कॉल करिए कि सर मेरे साथ में ये समस्या है, मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ, हम तुरंत उस चीज़ का सलूशन आप लोगों को देंगे। लेकिन ऐसा मत करिए बेटा, सही तरीके से अपने क्वेश्चंस को करिए, सही तरीके से अपना होमवर्क सेंड करिए, जिससे कि हम एनालिसिस कर पाएँ कि आप लोगों को हमें किस स्टैंड पर जाकर पढ़ाना है, किस लेवल पर जाकर पढ़ाना है, और आप लोगों के अंदर सुधार की क्या गुंजाइश है, और हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। जब तक आप लोगों के फीडबैक हम लोगों को नहीं मिलेंगे तब तक हम भी कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सही तरीके से सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना काम करिए आप लोग। सैटरडे हम लोगों की लाइव क्लास है और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा उस लाइव क्लास को ज्वाइन करे, क्योंकि इस बार की लाइव क्लास में आप लोगों के मैं डाउट तो डिस्कस करूँगा ही करूँगा, एक छोटा सा वाइवा भी आप लोगों का होगा, एक छोटा सा ओरल टेस्ट भी आप लोगों का होगा।
मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा बेटा। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे पास में पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, सभी के सभी बच्चे उस लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अभी हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे पास में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के साथ में बेटा डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं कल की क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ वो क्वेश्चन आप लोग अपने आप से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। देखिए फिजिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चे का खुद का दिमाग चलना, खुद का दिमाग चलना, क्योंकि टीचर इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं करा सकता है कि बिल्कुल एज इट इज़ वही प्रॉब्लम आपके जेई के या नीट के एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। आपका हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम कंसेप्ट को आप लोगों को सिखा सकते हैं या उस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस आप लोगों को करा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका खुद का दिमाग उन प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं चलेगा, आप खुद रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे प्रॉब्लम को देखकर, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास में ये आती है बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास में ये आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, जो भी नया क्वेश्चन आएगा वो मैं डिस्कस कराऊंगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को गिवन दिया गया है, हेयर पी इज अ नंबर ऑफ सेगमेंट इन द स्ट्रिंग। जो पी आप लोगों को दिख रहा है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड एल इज द लेंथ, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एम विल बी। ये जो एम आपको दिख रहा है ना बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी अपॉन 2L अंडर रूट एफ अपॉन एम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक काम करिए, अंडर रूट हटाकर एम को एक तरफ लेकर जाइए। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये बन चुका है हमारे पास में पी स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। यहाँ आ गया है मेरे पास में F और यहाँ आ गया है मेरे पास में M। तो बेटा थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में डायमेंशन ऑफ M इज इक्वल टू, देखो बेटा P एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये कह रखा है आप लोगों से, P इज अ नंबर ऑफ सेगमेंट, और आपको पता है कि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो P हम हटा देंगे क्योंकि P एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम 4 को भी हटाएंगे क्योंकि ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बचा हमारे पास में F, नीचे बचा हमारे पास में L स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास में इधर, ठीक है। अब इनकी डायमेंशन हम लोग यहाँ रखते हैं। देखिए फोर्स की जो डायमेंशन हमारे पास में होगी वो होगी बेटा एम एल टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स L। L की डायमेंशन होगी हमारे पास में L स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी हमारे पास में T माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है बेटा। चलिए भैया अब हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। इससे ये कैंसिल आउट, ये T टू दी पावर माइनस टू, ये भी T टू दी पावर माइनस टू, कैंसिल आउट। हमारे पास में आ गया है M L माइनस वन T टू दी पावर जीरो, ये M ये L ऊपर जाएगा L माइनस वन, T नहीं है तो मैंने लगा दिया T की पावर जीरो। अब आप देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का सी, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होने वाला है बेटा। ऐसे हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अब अगली प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, वॉट इज द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन ऑफ फोर्स। वैसे तो ये क्वेश्चन यूनिट का है और यूनिट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट का नंबर डायमेंशन के बाद में आएगा, हमें सिर्फ डायमेंशन की प्रॉब्लम्स को देखना है।
अब आया हमारे पास में ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम समझ आएगी आप लोगों को। देखिए क्या कह रखा है क्वेश्चन में हम लोगों से। द स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी एंड प्लैंक कॉन्स्टेंट एच आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स इन अ सिस्टम, द डायमेंशंस ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम शुड बी। मतलब प्रॉब्लम की लैंग्वेज को आपको समझना है बेटा, और प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक ये जो टाइम आपको दे रखा है ये डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों पर। एक डिपेंड कर रहा है सी पर, देखो द डायमेंशन ऑफ टाइम, आपको टाइम की डायमेंशन बतानी है इन तीन क्वांटिटीज के टर्म में, यानी टाइम इज डिपेंड ऑन सी। दूसरी चीज जिस पर टाइम डिपेंड कर रहा है वो है कैपिटल जी। तीसरी चीज जिस पर टाइम डिपेंड कर रहा है वो है एच। एच का मतलब होता है बेटा प्लैंक कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत सच में बहुत बढ़िया सवाल है। अब कैसे करेंगे हम सॉल्व, जरा आप लोग देखिए। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू दी पावर एक्स, जी टू दी पावर वाई, एच की पावर जेड। याद आया आपको बेटा, दो दिन पहले हमने इस तरीके की प्रॉब्लम सीखी थी। ओके, अब हमने क्या किया, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कॉन्स्टेंट सी टू दी पावर एक्स, जी टू दी पावर वाई, एच की पावर जेड। हमने दोनों तरफ ले लिया है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू सी टू दी पावर एक्स, जी टू दी पावर वाई, एच टू दी पावर जेड। होप सो कि आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही हो। अब देखो बेटा ये क्या है टाइम, भाई टाइम की डायमेंशन क्या होती है, भाई टाइम की डायमेंशन तो टाइम ही होती है, ना इधर मास है ना इधर लेंथ है। तो मैंने लिख दिया मास की पावर जीरो, लेंथ की पावर जीरो। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी आप लोगों को बात। अब आते हैं बेटा हम लोग इधर, ये क्या है हमारे पास में सी। सी का मतलब है लाइट की स्पीड, और लाइट की स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। जिसे पता नहीं है वो आगे से याद रखिएगा, सी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन की होल पावर एक्स। जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन होती है एम माइनस वन एल टू दी पावर थ्री टी टू दी पावर माइनस टू, इसकी हो गई होल पावर वाई। अब है भैया हमारे पास में एच, अब है हमारे पास में एच। एच का मतलब है प्लैंक कॉन्स्टेंट, ओके। और प्लैंक कॉन्स्टेंट की डायमेंशन हमारे पास में होती है एम एल टू। समझ आ रही है बात आप लोगों को, इसकी जो डायमेंशन होती है हमारे पास में वो होती है एम एल टू टी माइनस वन की होल पावर जेड। ये सी की डायमेंशन है, ये कैपिटल जी की डायमेंशन है, ये प्लैंक कॉन्स्टेंट की डायमेंशन है। सब की डायमेंशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप देखो बेटा, अब हम बनाएंगे इक्वेशन। कैसे बनेगी इक्वेशन ज़रा देखो, यहाँ m नहीं है, m नहीं है ना यहाँ पर, छोड़ो। यहाँ है m की पावर माइनस वाई और यहाँ है m की पावर z। ये हो गया m की पावर माइनस वन और y माइनस वाई, ये हो गया m की पावर z माइनस वाई प्लस z, और यहाँ m की पावर है ज़ीरो। तो पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास में माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब आते हैं हम आगे, देखो यहाँ l की पावर है x, यहाँ l की पावर है 3y और यहाँ l की पावर है 2z। x प्लस 3y प्लस 2z, बेटा ध्यान से, l टू दी पावर x, l टू दी पावर 3y, l टू दी पावर 2z और इधर l की पावर है 0। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में ये। अब फाइनली लास्ट इक्वेशन हम देखते हैं, t टू दी पावर माइनस वन एक्स यानी माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस के जेड, माइनस एक्स माइनस के टू वाई माइनस के जेड इज इक्वल टू, और यहाँ t की पावर है वन। लो भैया ये बनी हमारे पास में इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि बात आप लोगों को समझ आई होगी कि कैसे मैंने कंडीशंस को बनाया है।
यह है हमारे पास में इक्वेशन नंबर वन, यह है इक्वेशन नंबर सेकंड और यह है इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशन है बेटा हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को आपस में हम करेंगे ऐड। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम आपस में करेंगे ऐड, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम आपस में ऐड करेंगे। जैसे ही इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम आपस में ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन निकल कर आएगी हमारे सामने, ज़रा आप लोग देखिए। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे, ये है प्लस एक्स और ये है माइनस एक्स, कैंसिल आउट। ये है 3y, ये है माइनस के 2y, ये बचेगा सिर्फ y। ये है 2z, ये है माइनस z, ये बचेगा हमारे पास में z, 0 और 1, ये हो गया 1, ये निकल गई इक्वेशन नंबर 4। मतलब हम लोगों को कुछ भी करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और टेंथ क्लास में सही मायने में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना ही आप लोग सीखते हैं। तो मैंने सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया तो ये इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास में, फर्स्ट इक्वेशन है माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। बताइए है या नहीं, ये मेरे पास में है फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने एक काम किया, मैंने फोर्थ इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को आपस में ऐड कर दिया, फोर्थ को और फर्स्ट को ऐड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ वाई के सामने है प्लस और यहाँ वाई के सामने है माइनस। अगर मैं इन्हें ऐड करूँगा तो वाई यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जैसे ही मैं इन्हें ऐड करूँगा तो प्लस वाई से माइनस वाई एलिमिनेट हो गया, जेड और जेड 2z, 0 और 1, 1। लो बेटा z की वैल्यू निकल गई हमारे पास में 1/2, z हमारा निकल कर आ चुका है 1/2। z की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी हमारे पास में 1/2, y भी आ गया हमारे पास में 1/2 और z भी आ गया हमारे पास में 1/2। अब y और z दोनों की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे, y को यहाँ रखेंगे, z को यहाँ रखेंगे, यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू, x भी निकल चुका है, y भी निकल चुका है और z भी निकल चुका है। तीनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तीनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर और z की वैल्यू यहाँ पर, और इन चारों ऑप्शन से मैच कराएंगे। जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो कि कैसे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप लोग नोट करिए, z और y मैं निकाल चुका हूँ, x आप लोगों को खुद निकालना है, और फिर तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट करके ऑप्शन मैच करके आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। करिए बेटा जल्दी से, आप लोगों का होमवर्क है बेटा ये, जल्दी से करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, देखिए बेटा अब मेरे पास में आती है प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है मेरे पास में, कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम। देखिए बेटा, इफ़ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन यानी कैपिटल जी, प्लैंक कांस्टेंट यानी एच, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी सी, ये तीन क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास में, बी चूज एज फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब लंबाई से है, लेंथ से है, यानी हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, कैपिटल जी, एच एंड सी। देखो बेटा ध्यान से, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, कैपिटल जी, एच और सी। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू दी पावर एक्स, एच टू दी पावर वाई, सी टू दी पावर जेड। फिर आएगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर कॉन्स्टेंट लगाएंगे, जी टू दी पावर एक्स, एच टू दी पावर वाई, सी टू दी पावर जेड। दोनों तरफ ले लेते हैं डायमेंशन, इधर आ गया डायमेंशन ऑफ रेडियस,
इज इक्वल टू जी टू दी पावर एक्स एच टू दी पावर वाई सी टू दी पावर जेड। अब आप देखिए बेटा, रेडियस का मतलब होता है लंबाई से, डायमेंशन हो गई एल ना, तो यहाँ मास है तो मैंने मास की पावर रख दी ज़ीरो, और ना यहाँ टाइम है तो मैंने टाइम की पावर भी रख दी ज़ीरो। अब आप यहाँ देखिए, कैपिटल जी की डायमेंशन होती है एम माइनस वन एल थ्री टी टू दी पावर माइनस टू की होल पावर एक्स, समझ रहे हो बेटा। एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है ये, इसकी पावर हो गई वाई। सी यानी लाइट की स्पीड, इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन की होल पावर जेड। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे हों, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। अब आप देखो बेटा, यहाँ m की पावर है माइनस वन और x, यहाँ m की पावर है y, तो ये बन गया माइनस के x प्लस वाई, और यहाँ m की पावर है ज़ीरो। ये बन गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो। एम की पावर माइनस वन होल पावर x, तो माइनस x। m की पावर y यानी m की होल पावर बन गई माइनस x प्लस वाई, और इधर m की पावर ज़ीरो है। कंपेयर किया तो पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब आते हैं इधर, l की पावर 3 और ये x, 3x, l की पावर 2 और y, 2y, l की पावर z, तो इक्वेशन बनी हमारे पास में 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, यहाँ l की पावर है 1। अब आते हैं t में, यहाँ है t की पावर माइनस के 2x, माइनस के 2x, t की पावर माइनस के y, समझ रहे हो बेटा, और यहाँ है हमारे पास में t की पावर माइनस जेड, और इधर है हमारे पास में t की पावर ज़ीरो। समझ में आ रही बात? एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास में, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y और z, इन तीनों की वैल्यूज़ को करना है फाइंड आउट। अब हम लोगों को इन तीनों को सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, ज़रा देखो। अगर हम सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहाँ है प्लस जेड और यहाँ है माइनस जेड, जेड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने एक काम किया बेटा, हमने सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया। जैसे ही सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, 3x को ऐड करेंगे माइनस के 2x में, तो बचेगा हमारे पास में x। 2y को माइनस y में ऐड करेंगे तो बचेगा हमारे पास में प्लस y। प्लस z से माइनस z कैंसिल आउट, 1 और 0, ये बन गया हमारे पास में 1। ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। बन गई इक्वेशन नंबर 4, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करके इक्वेशन नंबर 4 बन गई। फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा हमारे पास में ये, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को ऐड किया। क्यों किया ऐड, यही तो ज़रूरी बात है, यही तो दिमाग चलना है एकदम से क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ है प्लस एक्स और यहाँ है माइनस एक्स, ऐसा करने से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हमने ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, वाई और वाई हो गया 2y, 0 और 1 हो गया 1, और वाई की वैल्यू बन गई हमारे पास में 1/2। y की जो वैल्यू बनी है हमारे पास में वो बनी है 1/2। हम y को उठाकर रखेंगे यहाँ, x की वैल्यू भी निकल कर आएगी हमारे पास में 1/2। हमने y को उठाकर यहाँ रखा, x की वैल्यू भी निकल कर आई 1/2, x भी निकल गया 1/2, समझ रहे हो बेटा, और y भी निकल गया है हमारे पास में 1/2। ठीक है, x भी 1/2 निकला, y भी 1/2 निकला। अब इन दोनों की वैल्यू को उठाकर ऐसी इक्वेशन में रखो जिसमें z आ रहा हो। देखो z किस में आ रहा है, इस इक्वेशन में z आ रहा है, यहाँ z आ रहा है। दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखो, यहाँ से निकल जाएगा z, x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। तीनों को उठाकर यहाँ रखो, ऑप्शन मैच करो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ऐसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात, कि प्रॉब्लम बनाने की टेक्टिक्स क्या हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करिए आप लोग नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
ये तो यूनिट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंदर ऐसी हैं जो यूनिट्स के ऊपर बेस्ड है, यूनिट के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे ये प्रॉब्लम आई बेटा आपके पास में, प्रॉब्लम नंबर 17। देखिए प्रॉब्लम नंबर 17 अपने आप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है, इफ़ द टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स सरफेस टेंशन रेडियस एंड डेंसिटी, ठीक है। टाइम पीरियड इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सरफेस टेंशन पर डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और एक डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर। तो हमें बताना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम भैया ये है हमारे सामने। उसने ये कहा है कि जो टाइम पीरियड है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सरफेस टेंशन पर, एक डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, और एक डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर। टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन 3 फैक्टर, नंबर 1 सरफेस टेंशन, नंबर 2 रेडियस, एंड नंबर 3 डेंसिटी। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है बेटा। तो पहला स्टेप हमारे पास में होगा ये, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर एक्स, आर की पावर वाई, और डेंसिटी की पावर जेड, ठीक है बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, एस की पावर एक्स, आर की पावर वाई, और रो की पावर जेड। दोनों तरफ ले लेते हैं डायमेंशन। देखो बेटा टाइम की डायमेंशन टाइम ही हो जाएगी, भाई कैपिटल टी का मतलब टाइम से है, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टाइम ही होगी, यानी कैपिटल टी ही होगी। ना तो इधर मास है तो मैंने ले लिया एम की पावर 0, और ना इधर लेंथ है तो मैंने लेंथ की पावर भी ले ली 0, और टाइम की पावर हो गई 1। अब आते हैं राइट साइड में, एस का मतलब है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है mt minus 2 की होल पावर x। सरफेस टेंशन की डायमेंशन ये होती है बेटा, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी मैं, अपनी कॉपी चेक करो जहाँ मैंने डायमेंशन लिखवा रखी है, दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। r का मतलब है रेडियस, रेडियस लंबाई को शो करता है, डायमेंशन हो गई y। डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन होती है ml minus 3 की होल पावर z। चलिए बेटा अब हम बनाते हैं इक्वेशन, और देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, m की पावर है x और यहाँ m की पावर है z, तो ये हो गया x plus z, और यहाँ m की पावर है 0। लो जा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ l नहीं है, यहाँ L की पावर है y और यहाँ L की पावर है -k 3z और इधर L की पावर है 0। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर, टाइम की पावर -k 2x, यहाँ टाइम नहीं है और यहाँ भी टाइम नहीं है, और यहाँ टाइम की पावर है हमारे पास में 1। सिर्फ टाइम यहाँ है, यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ टाइम नहीं है, तो ये हो गई हमारे पास में कंडीशन। तो बेटा देखिए कि x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू निकल कर आ गई -k 1/2 निकल कर आ गई। x की वैल्यू को उठाकर रखेंगे यहाँ, -k 1/2 + z = 0, सॉल्व करेंगे z की वैल्यू निकल गई 1/2, x आ गया है -k 1/2, z आ गया है 1/2। समझ आ रही है बात। अब आपको एक काम करना है, z की वैल्यू उठाकर रखनी है यहाँ पर, तो ये हो गया y -k 3/2 = 0 और y की वैल्यू निकल गई हमारे पास में यहाँ पर 3/2। लो बेटा तीनों वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं, x की वैल्यू निकल चुकी है -k 1/2, y की वैल्यू निकल चुकी है 3/2, और z की वैल्यू निकल चुकी है 1/2, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट बनेगा
टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एस की पावर माइनस के 1/2, आर की पावर वाई, वाई की वैल्यू है हमारे पास में 3/2, और रो की पावर जेड, जेड की वैल्यू है हमारे पास में 1/2। ये कंडीशन हमारे पास में बनकर आएगी बेटा, आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। जो भी आपका इस आंसर से ऑप्शन मैच करेगा वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ऐसे हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम आप लोगों को समझ आई हो, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, पूरी टैक्टिक्स, काम करने का तरीका सब हमने आपको इसके अंदर बता दिया है। ठीक है, ओके बेटा। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो हम आपको ऑलरेडी पहले ही करा चुके हैं, जैसे प्रॉब्लम नंबर 16 है बेटा हमारे पास में, आप जरा देखिए प्रॉब्लम नंबर 16 में हमें क्या दे रखा है। ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड्स क्वांटिटीज वाई एंड जेड एज फॉलो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी टेन सी जेड, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। देखो बेटा, x इज इक्वल टू हमें दे रखा है ए वाई प्लस बी टेन सी जेड, ये सिचुएशन है हमारे पास में। अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन x की होगी बिल्कुल वही डायमेंशन होगी हमारी a और y की। तो कैपिटल ए की जो डायमेंशन हमारी यहाँ से निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी x अपॉन y, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए, ये हमारी कैपिटल ए की डायमेंशन निकल कर आएगी बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आपको पता है कि tan ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये जो टर्म लिखा हुआ है ये भी होता है आपका डायमेंशन लेस, ये भी है आप लोगों का डायमेंशन लेस। तो c की जो डायमेंशन यहाँ से निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी z माइनस वन, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ c। a की डायमेंशन है x अपॉन वाई और c की डायमेंशन है z माइनस वन। अच्छा, ये तो है डायमेंशन लेस, है बेटा डायमेंशन लेस, लेकिन ये जो b है इसकी डायमेंशन बराबर होगी x के। तो a की जो डायमेंशन है हमारी, सॉरी b की जो डायमेंशन है हमारी वो बराबर हो जाएगी x के, b की जो डायमेंशन है हमारी वो बराबर हो जाएगी हमारे x के। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, a की डायमेंशन है हमारे पास में x अपॉन y, और b की डायमेंशन है हमारे पास में x, और c की डायमेंशन है हमारे पास में z माइनस वन, और उसने कह रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, यानी किन की डायमेंशन सेम नहीं है। ए की डायमेंशन ये और बी की ये, आप देख रहे हो ए और बी की डायमेंशन आपस में सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्स और बी इन दोनों की डायमेंशन सेम है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, एक्स और ए, एक्स देखो एक्स और ए की डायमेंशन सेम नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा, क्योंकि ए की जो डायमेंशन है वो एक्स अपॉन वाई के इक्वल है, एक्स की जो डायमेंशन है वो ए अपॉन वाई के इक्वल है बेटा। तो इसका मतलब ये है, आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डायमेंशन आपस में सेम नहीं है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया प्रॉब्लम हम लोगों ने बना ली है। क्वेश्चंस हमारे पास में और भी हैं बेटा, जैसे ये है हमारे पास में एक प्रॉब्लम, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 23, ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 23 पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है,
पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, चलो सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. द नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई एंड जेड सच दैट पी टू द पावर एक्स, एस टू द पावर वाई एंड सी टू द पावर जेड इज डायमेंशनलेस. यानी उसने हमें क्या कह रखा है कि जो पी टू द पावर एक्स है, एस टू द पावर वाई है और जो सी टू द पावर जेड है, इसकी जो डायमेंशन है ना बेटा, वो डायमेंशन लेस है. मतलब ये जो टर्म है ये डायमेंशन लेस है. डायमेंशन लेस होने का मतलब ये है कि हम इसे इसके बराबर रख देंगे. उसने कह रखा है कि ये जो टर्म है हमारे पास में, ये डायमेंशन लेस है. और डायमेंशन लेस होने का मतलब ये है कि हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं. अब देखिए कि किसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी. भाई पी का मतलब है प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन होती है हमारे पास में, ध्यान से आप लोग देखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, एम एल माइनस वन टी माइनस टू की होल पावर एक्स. समझ में आई बेटा बात. एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है एनर्जी अपॉन एरिया टाइम. यानी एस का मतलब है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम की होल पावर वाई. ये है बेटा एस का मतलब. एस का मतलब है एनर्जी अपॉन एरिया टाइम. देखो कह रखा है ना, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड. ठीक है, यानी एनर्जी अपॉन एरिया टाइम. और सी है हमारे पास में एल टी माइनस वन की होल पावर जेड, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू एम टू दी पावर जीरो एल टू दी पावर जीरो टी टू दी पावर जीरो, क्योंकि ये टर्म है हमारे पास में डायमेंशन लेस. एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस थ्री. अब हम करते हैं सॉल्व. देखो एम की पावर हो गई एक्स, समझ में आ रही बात. यहाँ एम की पावर हो गई हमारे पास में वाई, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम की पावर एक्स, यहाँ एम की पावर वाई और यहाँ एम की पावर है जीरो. एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो. अब आते हैं यहाँ पर L की पावर माइनस वन और x, माइनस के x. यहाँ L नहीं है, L कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ से. यह है L की पावर z, माइनस x प्लस z इक्वल टू जीरो. समझ आ रही है बेटा बात. फाइनली t टू दी पावर माइनस के 2x, ठीक है, उसके बाद t टू दी पावर माइनस के 3y, ठीक है, और वहाँ है t टू दी पावर माइनस के z, और ये भी हो गया हमारे पास में जीरो. लो बेटा ये तीन इक्वेशन हमारे पास में बन चुकी हैं. आप लोगों को दिख रहा है कि तीन इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास में बन चुकी हैं. अब आपको सिर्फ एक काम करना है, इन तीनों इक्वेशन का सॉल्व करना है. और मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपके सामने दो तीन इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा चुका हूँ ऑलरेडी. अब मैं चाहता हूँ कि ये काम आप लोग खुद करें, इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करें और यहाँ से x, y और z की वैल्यू निकालें और फिर अपने आंसर को आप मैच करके देखें कि कौन सा आंसर आप लोगों का करेक्ट बैठता है. बेटा समझ में आ रही है बात, कौन सा आंसर आप लोगों का करेक्ट बैठता है. यहाँ से वैल्यू निकालो, पुट करो और देखो कि कौन सा आंसर आप लोगों का करेक्ट बैठता है, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा. ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर करना है अपने आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा. अच्छा यहाँ S का जो मतलब था, ध्यान रखिएगा, S का मतलब था एनर्जी एरिया टाइम. S का मतलब ये था एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, ये S का मतलब था. ऐसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व, कर लीजिए नोट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, अब बस ये समझिए कि हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल लास्ट में. अब एज सच हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आप लोगों को ना पता हो. लगभग लगभग सभी कंडीशंस हमने आपको सॉल्व करा दी हैं बेटा. ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ये डीपीपी ऑलरेडी मैं आपके पास में सेंड कर चुका हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. जिसमें डाउट आता है वो सीधा मुझसे क्लियर करिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है और ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बेटा.
ये हमारा डायमेंशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैं इसके बाद डायमेंशन नहीं बताने वाला, एरर फिनिश हो चुका है, डायमेंशन इस क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ए मास एम सस्पेंडेड, अब सीधी सीधी बात ये दे रखी है, छोड़ो यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। एफ इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट है भैया हमारे पास में के, और सी है कांस्टेंट। यहाँ सी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा सी की कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन, एम की पावर जीरो और एल की पावर जीरो, सी की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एम हमें दे रखा है मास, और ये हो गया हमारे पास में मास की पावर एक्स। के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन है हमारे पास में एम टी माइनस टू की होल पावर वाई। पहली इक्वेशन हमारे पास में बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एम की पावर एक्स, एम की पावर वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास में एल यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, टी की पावर माइनस वन और ये हो गया माइनस के टू वाई, कैंसिल आउट, वाई की वैल्यू निकल गई हमारी वन बाय टू के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, वाई की जो वैल्यू हो गई है हमारी वो वन बाय टू के इक्वल हो गई है बेटा, ठीक है। वाई की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में माइनस के वन बाय टू, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट है, ठीक है। तो डायमेंशन के ऊपर बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, डायमेंशन फिनिश। कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे यूनिट, DPP आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चंस करने के बाद में आप लोगों को हमें सेंड करना है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में।